प्रणत हर सुंदर सर जी, प्रीतम अक्षरातीत ने महामति जी के धाम हृदय में विराजमान होकर मार्फत सागर नामक एक जो ग्रंथ दिया है, इसमें इल्म की मार्फत को दर्शाया गया है। अर्थात ज्ञान से भी परे परम सत्य जो अनादि सत्य है, विज्ञान विशिष्ट ज्ञान या 13वां प्रकरण झंडा हकीकी खड़ा हुआ हिंद में इससे संबंधित है कि भारत में किस तरह से यथार्थ सत्य का ध्वज फहराया। झंडा जिसको साहित्यिक भाषा में ध्वज कहते हैं, ये गरिमा का प्रतीक होता है। आप देखते हैं कहीं राष्ट्रीय ध्वज लहराता है तो कहीं भिन्न भिन्न सामाजिक संस्थाओं के भी झंडे होते हैं, धार्मिक मत पंथों के भी अलग अलग झंडे होते हैं। ये झंडे क्या दर्शाते हैं? गरिमा को दर्शाते हैं। गरिमा में क्या निहित होता है? जैसे राष्ट्रीय ध्वज में राष्ट्र की गरिमा निहित होती है, संप्रभुता ऐश्वर्य, उसी तरह से किसी भी संप्रदाय या मत पंथ का जो ध्वज होता है यह दर्शाता है कि उस मत पंथ में सत्य की कितनी शक्ति छिपी हुई है। संसार में यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चार तरह के ध्वज होते हैं, शरीयत का ध्वज, तरीकत का ध्वज, हकीकत का ध्वज और मारिफत का ध्वज। शिष्ट में सबसे पहले वैदिक ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और जब तक वह ज्ञान फैलता रहा, भारतवर्ष संपूर्ण विश्व का गुरु बना रहा, आध्यात्मिक गुरु। संसार के सभी लोग यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। मनुस्मृति में मनु ने कहा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकसात् अग्रजन्मना स्वसम चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानव। पृथ्वी के सभी मनुष्यों ने भारतवर्ष में आकर महान पुरुषों के चरणों की सानिध्यता में बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव प्राप्त किया है। किंतु कालांतर में विकृति हुई, ज्ञान का सूर्य छिप गया, परिणाम अंधकार फैल गया। इसके पश्चात अरब में परम धाम के ज्ञान की आभा फैली शरीयत के झंडे के साथ, मोहम्मद साहब के रूप में जो कुरान का ज्ञान अवतरित हुआ उसमें एक परब्रह्म की उपासना का निर्देश दिया गया था। अरब के कबीलाई सभी लोगों को इकट्ठा करके एक परब्रह्म पर निष्ठा दिलाई गई। मोहम्मद साहब ने काबा में को छोड़कर जो मक्के में जितने बुत थे सबको फिकवा दिया, 300 से अधिक बुतों को फिकवा दिया था और एक सच्चिदानंद परब्रह्म अल्लाह ताला पर आस्था दिलाई थी। वहाँ के लोगों को कुरान के माध्यम से शरीयत पर चलना सिखाया और उनके अंदर मानवता की एक ज्योति जगाई कि वे हैवानियत छोड़कर मानवता की राह पर चल सके। भारत में उस समय स्थिति बिकट थी, उस समय वैदिक युग का सूर्य अस्तातल की तरफ था, पौराणिक विकृतियां इतनी थी कि एक परमात्मा को छोड़कर संपूर्ण हिंदू समाज तरह तरह के काल्पनिक देवी देवताओं की उपासना में लगा हुआ था। और तो और कहीं न कहीं कुछ शताब्दियों के पश्चात ऐसा लगा कि मोहम्मद बिन कासिम से जो अरब आक्रमण प्रारंभ हुआ वो आमसा अब्दाली तक चलता ही रहा। न जाने कितने रक्तपात हुए, रक्त की नदियां बह निकली। ऐसी अवस्था में जब भारतवर्ष में औरंगजेब का शासन था, परमधाम की आत्माओं का अवतरण हुआ था उस समय और औरंगजेब कुरान के शरीयत के ही रहस्य को जानता था, आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिब जमा के रूप में परब्रह्म की शक्ति जो हिंदुओं में विजय अवनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में थे जाहिर हुई थी। अब कुरान की भाषा के अनुसार आखरुल इमाम मोहम्मद महदी के रूप में भारत में अवतरित होती है। जो अरब में झंडा शरीयत का गाड़ा गया था, परब्रह्म तो सारी सृष्टि का एक है, उसके लिए भारत हो, अमेरिका हो,
अरब हो चाइना हो सभी बराबर है, सभी मानव मात्र बराबर है। संसार में ज्ञान का प्रकाश करना परब्रह्म की कृपा का प्रथम कार्य होता है, क्योंकि ज्ञान के बिना तो मनुष्य स्वयं को नहीं जान सकता कि वह यथार्थ में है कौन। अरब में जो कुरान का ज्ञान अवतरित हुआ तो परिणाम यह हुआ कि वहाँ लोगों ने सभी देवी देवताओं से मुंह मोड़कर एक परब्रह्म की उपासना करनी प्रारंभ की। और मुगल साम्राज्य भी उस समय भारतवर्ष में अपने मध्यान्ह में तप रहा था। एक ऐसा भी समय आया कि कुरान की छत्रछाया में इस्लामिक जगत का वर्चस्व पूरे विश्व में अधिकतर भागों पर हो गया था। जब श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज्जमा, जिनके बारे में कहा गया है कि कुरान में कया खुदा हमितावसी फरदारोज की आमद, फरदारोज कहते हैं कल के दिन को, मोहम्मद साहब के इस संसार में आए हुए जब 1100 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तब क़यामत का समय होगा और उस समय सच्चिदानंद परब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ इस नश्वर जगत में परम धाम का ज्ञान लेकर अवतरित होंगे। 990 मार्च 9 हुए रसूल को जो रूहल्ला मिसल का जीव मोमिन उतरे तब श्यामा जी की आत्मा परम धाम की आत्माओं के साथ अवतरित हुई थी, और उनका दूसरा तन जो इमाम मेहदी के रूप में उजागर हुआ जब उनके तन से परम धाम का ज्ञान अवतरित होने लगा तो कुरान की शफकत बरकत जबराइल फरिश्ता लेकर भारत में अवतरित हो गया। इसका आशय क्या है? कुरान में जो भेद हकीकत मार्फत के नहीं खोले गए थे श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी के द्वारा स्पष्ट हो गए, इसको कहते हैं कि अरब से झंडा उठकर भारत में आ गया। झंडा नूर का महमदी ताई कबू न हुई नुकसान, जेते दिन जित फुरमाया रया तेते दिन तित ईमान। तारतम ज्ञान के प्रकाश का वह ध्वज जो श्यामा जी के द्वारा इस संसार में अवतरित किया गया था कभी नष्ट नहीं होता, यह अवश्य कि उसका प्रकाश कहीं दिखता है तो कभी कहीं दिखता है। यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे ध्वज में एक डंडा होता है, एक पताका फहरा रही होती है, वैसे ही ज्ञान के दंड में, ज्ञान का दंड अपने अंदर भक्ति की रसधारा को लिए हुए रहता है। पताका भक्ति की है, ज्ञान का दंड हो, ज्ञान विश्वास पर खड़ा करता है। परमधाम की आत्माओं के दो पंख हैं, इश्क और ईमान, ज्ञान और प्रेम। यदि तारतम वाणी के ज्ञान का प्रकाश हमें मिलता है तो हमारी आत्मा विश्वास की नींव पर स्वयं को जागने का महल खड़ा करने के लिए उद्यत हो जाती है, और उस दंड में जो भक्ति की पताका लहरा रही है तो पूर्ण मिलकर के एक ध्वज बनता है। संसार में परम धाम का ज्ञान लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरी सूरत के रूप में आए तो उस ज्ञान को दोज के चांद की उपमा दी गई। श्री देवचंद जी के तन से जो तारतम ज्ञान अवतरित हुआ उसको पूर्णमासी के चंद्रमा की उपमा दी गई। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में जो परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ और ये मारिफत सागर जिसमें कुरान की मारिफत का वर्णन है, जो मारिफत के शब्द मोहम्मद साहब की जबान पर चढ़ नहीं सके और उसको आने वाले समय में आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज्जमा के द्वारा खुलवाने के लिए उन्होंने संकेत किया था कि उसमें परम धाम की आत्माएं होंगी, उनके साथ मैं भी होऊंगा, और अल्लाह ताला आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज्जमा के रूप में कुरान के बातिनी रहस्यों को उजागर करेंगे। तारतम वाणी के द्वारा स्पष्ट हुआ परब्रह्म के द्वारा जिस समय तक के लिए निर्देश होता है, जीते दिन जित फुरमाया रहया तीते दिन तित ईमान, जब तक परब्रह्म की आज्ञा होती है वहां तक ईमान रहता है,
ये ध्यान में रखने वाली विशेष बात है कि लकड़ी या लोहे के दंड में अच्छे कपड़े का ध्वज लगा देने मात्र से ही ये नहीं कहा जा सकता कि वहां ध्वजा अखंड रूप से। ध्वज तो ईमान और प्रेम का होता है, अटूट विश्वास और प्रेम का ध्वज जहां पर है वहीं पर मान सकते हैं कि यह नूरी झंडा है। जहां से जान हट गया तो विश्वास भी हट जाएगा, विश्वास हट जाएगा तो प्रेम और भक्ति कहां से आएगी, प्रेम लक्षण भक्ति का ध्वज कहां से रह सकता है। इसलिए जाहिरी झंडा तो हम पैसे से खरीद करके कहीं भी लगा सकते हैं, किंतु तारतम वाणी में जिस ध्वज का वर्णन हुआ है वो बातिनी झंडा है, जो बाह्य रूप से आंखों से नहीं दिखाई देता, ये तो आंतरिक आंखों से देखा जा सकता है। ज्ञान और प्रेम, प्रीतम को पाने के ये दो पंख हैं और इन दोनों पंखों से परमधाम की आत्माएं परमधाम की उड़ान भरती हैं। जेते दिन जित फुरमाया रहया तेते दिन तीर्थ ईमान। राज्य की जब तक आज्ञा होती है तब तक वहां विश्वास रहता है, जहां विश्वास होता है वहां धनी की प्रेम की वर्षा होती है। ईमान ही हमारी शक्ति है और प्रेम ही हमारा जीवन है। परमधाम की परमात्माओं के लिए ईमान और इश्क, ईमान प्रगटेगा ज्ञान से। आप देखेंगे कि जो सुंदर साथ तारतम लिए हुए होते हैं किंतु वाणी का चिंतन उनके पास नहीं होता तो वो भी कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, वे राज्य को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की भक्ति में लग जाते हैं। जिस भारतवर्ष में ये वेदों का उद्घोष हुआ, एकम सद बौद्धा विभ्राम वदन्ति यम मातरि स्वानम आहु, एक परमात्मा को अनेक नामों से कहा गया है, किंतु जब ज्ञान का प्रकाश लुप्त हो गया तो परिणाम क्या हुआ, यहाँ के हिंदू लोग कहीं शालिग्राम की बटिया की पूजा करने लगे, कहीं शिवलिंग बनाकर पूजने लगे, कहीं वृक्षों की पूजा करने लगे, कहीं नदियों और पहाड़ों की पूजा करने लगे, और तो लकड़ी की मूर्तियां, कभी मिट्टी की मूर्तियां बना बना करके आज भी पूजा की परंपरा चल रही है। आप देखते ही हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, गणेश पूजा हो, क्या होता है, मिट्टी और पुआल से बनी हुई मूर्तियां पूजी जाती हैं, कुछ दिन के बाद नदियों में बहा दी जाती हैं। आज का हिंदू समाज गुणों की पूजा नहीं कर रहा है, वो जड़ मूर्ति की पूजा करता है। वो कहता है कि मूर्ति में ही तो परमात्मा है। यह सत्य है कि मूर्ति में व्यापक रूप से है, उसकी सत्ता है, किंतु मूर्ति को तो आपने बनाया है, क्या परमात्मा का भी आप सृजन कर सकते हैं, और कुछ दिन पूजा करने के बाद पुनः आप नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। जिसको कल तक मत्था टेकते थे, शीश झुकाते थे, उसको नदी में ले जाकर के फेंक आते हैं बेरहमी से। उस कहीं नदी नहीं मिले तो गंदे नाले में भी फेंकने में झिझक नहीं होती। गणेश की पूजा करते हैं किंतु गणेश में क्या गुण है, उनके गुणों के प्रति श्रद्धा नहीं। लक्ष्मी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगी ये पता नहीं। सरस्वती की मूर्ति की पूजा करेंगे किंतु सरस्वती अर्थात विद्या की प्राप्ति के लिए जो स्वाध्याय करना होगा, तपश्चर्या करनी होगी, उस पर कोई ध्यान नहीं है हिंदू समाज का। वो सोचता है कि सरस्वती की मूर्ति की पूजा करने से हमारे पास विद्या आ जाएगी, लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करने से हमारे पास ऐश्वर्य आ जाएगा, गणेश जी की पूजा करने से सारे विघ्न टल जाएंगे। ये तो भ्रांतियां हैं। यदि आपको ऐश्वर्य चाहिए तो लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको उन गुणों को धारण करना पड़ेगा जिससे ऐश्वर्य आपके पीछे पीछे चलता है। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं, विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं, तो सरस्वती की मूर्ति की पूजा करने की अपेक्षा नियमित स्वाध्याय को अपने जीवन का अंग बनाइए। अलस्य से कुतो विद्या, अविद्या से कुतो धनम,
को अंगीकार कीजिए। आलसी को विद्या नहीं आती, किंतु आप आलस्य की चादर ओढ़कर लेटे रहेंगे और केवल सरस्वती की मूर्ति की पूजा करेंगे तो विद्या कहाँ से आ जाएगी? विद्या प्राप्ति के लिए तो ब्रह्मचर्य आवश्यक है, तपश्चर्या आवश्यक है, नियमित स्वाध्याय आवश्यक है, श्रद्धा आवश्यक है, समर्पण आवश्यक है, तब विद्या की प्राप्ति होगी। हिंदू समाज ने इन गुणों को परित्याग कर दिया और केवल बाह्य पूजा को ही मान लिया। इसी तरह से जो ध्वज जिसका वर्णन किया गया है, झंडा हकीकी खड़ा हुआ हिंद में, इसकी पहली चौपाई है, जाए इलम पहुंचा हक का, ताए हुई हक हिदायत। हक की हिदायत क्या है? हिदायत का अर्थ होता है निर्देशन। प्रीतम का निर्देश क्या होता है? जाए इलम पहुंचा हक का, ताए हुई हक हिदायत। जिस आत्मा के हृदय में प्रीतम की वाणी का प्रकाश हो जाता है, उसको प्रीतम का निर्देश होता है कि वह क्या करे। वो प्रीतम के चरणों को पकड़ लेता है। इस संबंध में प्रकाश हिंदुस्तानी में एक बहुत सरल सी चौपाई कही गई है, जो बहुत गहरे भाव को छिपाई हुई है। गुण धनी के यादगर, पकड़ पीऊ के पांव, सुखे बैठ सुखपाल में, देसी वतन पहुंचाए। प्रकाशवाणी अक्षरातीत के स्वरूप का प्रकाश करती है कि प्रीतम अक्षरातीत कहाँ लीला कर रहे हैं। वो किसी गादी में नहीं है, वो बिहारी जी की गादी में नहीं है, वे तो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। यह दर्शाने के लिए पूरा प्रकाश ग्रंथ अवतरित हुआ है, अर्थात प्रीतम के उस स्वरूप का प्रकाश करना जो मीराज के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। जिसके हृदय में तारतम वाणी का प्रकाश आ जाएगा, वह क्या करेगा? सो आया फिर के नाजी मिने, झंडा दीन हकीकी जीत। संसार में सबकी बुद्धि समान नहीं हो सकती, इसलिए कहावत कही जाती है, मुंडे मुंडे मती भिन्ना। नाजी फिरका किसको कहते हैं? वह मार्ग जिसमें मोक्ष प्राप्त होता है, अखंड परम धाम का जिसमें ज्ञान हो, अखंड स्वरूप की जिसमें भक्ति हो, और भक्ति का मार्ग भी क्या हो? अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति। आज देखिए हिंदुओं के 1000 संप्रदाय हैं, कोई किसी की भक्ति कर रहा है, कोई किसी की भक्ति कर रहा है। यदि आप सोचते हैं कि किसी लकड़ी की मूर्ति की को 56 भोग लगा देने से हमें परम धाम मिल जाएगा, तो नहीं। शालिग्राम की बटिया को शीश झुकाने से या आरती भोग करने से हमें सच्चिदानंद परब्रह्म अक्षरातीत दर्शन हो जाएंगे, तो यह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि इन मत पंथों में परम धाम का ज्ञान नहीं। जिसके लिए कभी वेद ने कहा था कि तमेव विदित्वात् मृत्युमिति नान्या पंथा विद्यना, उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई मार्ग नहीं है। और वो कैसा है? आदित्य वर्ण तमस परस्तात्, अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान है, माया के अंधकार से सर्वथा परे है। जो माया के अंधकार से सर्वथा परे है, अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान है, उस परमात्मा को आप शालिग्राम की बटिया में या शिवलिंग के पिंड में खोजते हैं, लकड़ी की मूर्ति में खोजते हैं, वृक्षों में खोजते हैं, नदियों और पहाड़ों में खोजते हैं, तो कैसे संभव है कि आप सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति कर सकें? इसलिए तारतम वाणी का प्रकाश 6 अक्षर से परे उस अक्षरातीत की पहचान कराता है और हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए अनन्य पराप्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग देता है। जिस समूह में ये ज्ञान अवतरित होता है उसको कहते हैं नाजी फिरका, अर्थात मुक्ति प्राप्त करने वाला वह समूह। उसमें क्या होता है? झंडा दीन हकीकी जीत। उसमें हकीकी दीन का झंडा होता है, यथार्थ धर्म का ध्वज फहरा रहा होता है। धर्म क्या है? इस चौथे चरण में एक विशेष बात कही गई है, झंडा दीन हकीकी जीत, हकीकी दीन का वो यथार्थ धर्म का सत्य झंडा, हकीकी झंडा। धर्म का सत्य ध्वज कहां होता है?
महाभारत में एक श्लोक आता है, धर्म से तत्व नितम गुहायाम। धर्म का तत्व कहाँ होता है? परम गुहा में, जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। पर ब्रह्म को कौन जानता है? जो परम गुहा में प्रवेश होता है, जो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उन्हीं को धर्म के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, अन्य लोगों को नहीं। क्योंकि धर्म सत्य है, सत्य ही धर्म है और सत्य ही परमात्मा है। धर्म उसको नहीं कहते हैं, किसी विचारधारा कोई व्यक्ति ने पैदा कर दी और उस विचारधारा के मानने वाले कुछ अनुयायी हो जाए तो उसको मत कहते हैं, पंथ कहते हैं। किंतु धर्म तो अनादि है। किसी मत पंथ की विचारधारा को या उसके अनुयायियों को नष्ट किया जा सकता है, सत्य धर्म को नष्ट नहीं किया जाता। जो धर्म के लक्षण है वो अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। सृष्टि नष्ट हो जाएगी किंतु धर्म नष्ट नहीं होगा। संसार में एक विकृति है, लोग सोचते हैं कि दूसरे धर्म वाले के अनुयायियों को हम मार दें और हम अपने धर्म का प्रसार कर लें। वे धर्म की व्याख्या ही नहीं समझते। समान रूप से धर्म के चार कहीं और कहीं दस लक्षण बताए जाते हैं। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधौ प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणं। श्रुति वेद स्मृति धर्मशास्त्र में जो कुछ कहा है, धर्मशास्त्र में मनुष्यों ने जो कहा है, समाधिस्थ प्रज्ञा ऋतम्भ प्रज्ञा से कहा है तो वो सत्य है, वो पक्षपात रहित है। वेद का ईश्वरी ज्ञान जो कहता है वो सत्य है। सदाचार और अपनी अंतरात्मा की पुकार, इन चारों से धर्म की परीक्षा की जाती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो धर्म के दस लक्षण होते हैं, धृति क्षमा दम स्थेयम, स्थेय यानी चोरी न करना, शौचम आंतरिक और बाह्य पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, धी बुद्धि विद्या, सत्यम क्रोधो, सत्य और क्रोध न करना। ये दसकम धर्म लक्षण, धर्म के दस लक्षण है। ये दसों लक्षण तो मानव मात्र के लिए, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, सबके लिए अनिवार्य है। यह सृष्टि जब नष्ट हो जाएगी, नई सृष्टि बनेगी, तभी ये लक्षण रहेंगे, तभी ये दस लक्षण धर्म के कहे जाएंगे। इनको कोई नष्ट नहीं कर सकता। मत मतांतरों की विचारधाराओं को आप नष्ट कर सकते हैं, उनके पुस्तकालयों को जला आप सकते हैं, किंतु सत्य को आप कैसे जला सकते हैं? शाश्वत सत्य का उद्घोष परब्रह्म के ज्ञान के द्वारा किया जाता है। जब परब्रह्म अनादि है, अखंड है, अनंत है, तो आप उसको कैसे नष्ट कर सकते हैं? जब तक परब्रह्म है तब तक सत्य का सूर्य भी उगता रहेगा। यह अवश्य है कि ऐसा लगेगा कि कभी बादलों में छिप गया है, लेकिन बादलों के छिप जाने से सत्य के सूर्य को तो अस्तित्वहीन नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से झंडा दीन हकीकी जीत तारतम वाणी का प्रकाश जिसके हृदय में पहुंच जाता है, उसको प्रीतम का निर्देश होता है कि वह संसार के देवी देवताओं से अपना संबंध तोड़कर एक सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रेम में डूबे, गुण धनी के याद कर पकड़ पीऊ के पांव और उनके चरणों की सानिध्यता में स्वयं को समर्पित कर दे। इसको कहते हैं सो आया फिर के नाजी मिने झंडा दीन हकीकी जीत। जहां तारतम वाणी का प्रकाश होगा वहीं सत्य का ध्वज लहरा रहा होगा। आप कह सकते हैं कि क्या संसार में सत्य का ध्वज नहीं लहरा रहा है? कट सत्य है जिसने चारों वेदों को पढ़ा है, आत्मसात किया है, जब तक उसके पास समाधिस्थ प्रज्ञा नहीं होगी, वेद के शब्दार्थ को जानकर भी वेद के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वेद का चरम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म का साक्षात्कार, जिसके लिए वेदांत कहता है गुहाम पृष्ठो आत्मनो तत् दर्शनात्। परम गुहा में पृष्ठ होकर उस ब्रह्म का दर्शन होता है। आज हिंदू समाज को वेदों का अनुसरण करने में कोई रुचि नहीं दिखती है। कुछ लोगों को है, किंतु अधिकतर ने तो अपने अपने संप्रदाय खड़े कर लिए। कोई रामायण को चारों वेदों का सार दर्शाता है, कोई भागवत को दर्शाता है, कोई किसी पुराण को दर्शाता है। अपने अपने मंत्र के सबने अपने अपने ग्रंथ बना लिए, और तो और
स्थिति तो बहुत हास्यास्पद हो जाती है। जब कुछ धर्मोपदेशक अपने ज्ञान को स्वरूप पर कहते हैं कि उनको तो किसी वेद शास्त्र से लेना ही देना नहीं, इसका आशय क्या है? वे अपने शिष्यों में ऐसी भावना डाल देते हैं कि मेरे गुरुदेव जो कह रहे हैं वो चारों वेदों से भी परे का ज्ञान कह रहे हैं। ये मनुष्य की भूल है। तस्मात यज्जात सर्वतः ऋचत समान जगृत छंदान सह जगो तस्मात यजो तस्मात अजायत। उस परमात्मा की ज्ञान दृष्टि से ये कृपा दृष्टि से चारों वेदों का उत्तरण हुआ। सृष्टि में जो भी ऋषि मुनि हुए सबने वेदों के अपौर से ज्ञान को सर्वोपरि माना। इसी प्रकार देखा जाए इस्लामिक जगत में आज न जाने कितने फिरके हो गए हैं और सभी फिरकों के अनुयायी कुरान की ओट लेते तो अवश्य हैं किंतु विचारधारा अपनी थोपते हैं। जैसे वहावी विचारधारा कुरान के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल है, जहां से आतंकवाद का प्रारंभ होता है, वैसे वहावी विचारधारा में ये इस बात को दर्शाया जाता है कि हम कुरान के सच्चे अनुयायी हैं किंतु सत्यता कुछ और होती है। इस्लाम तो प्रेम का संदेशवाहक होना चाहिए किंतु इस कुरान की आयतों का विकृत अर्थ करके यही दर्शा दिया जाता है कि इस्लाम के अतिरिक्त कोई संसार में मान्यता रहनी ही नहीं चाहिए। परिणाम क्या होता है? उसके अनुयायी अस्त्र उठा लेते हैं। वे सोचते हैं कोई प्रेम से नहीं हमारा मजहब स्वीकार करेगा तो हम बंदूक की गोली से ही स्वीकार कराएंगे। यह विचारधारा ही आतंकवाद की पोषक करती है। जो मोहम्मद साहब ने नहीं कहा, जो कुरान के मूल आशय ने नहीं कहा, किंतु मनुष्य जब आयतों का विकृत अर्थ कर देता है तो परिणाम यही होता है कि धर्मग्रंथ के मूल सिद्धांत से उल्टी गंगा बहने लगती है। यही स्थिति बाइबल के साथ है, यही स्थिति सभी मतपंथों के साथ है। किसी भी श्रेष्ठ विचारधारा के उद्घोषक ने दूसरे प्राणियों को पीड़ा देने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सत्य को प्रकाशित करने का प्रयास किया किंतु समय के प्रवाह में जैसा कि सृष्टि का सिद्धांत है प्रत्येक वस्तु में विकृति आती है, चाहे पर्वत हो चाहे लोहे से बना हुआ कोई स्तंभ हो, समय के प्रवाह के साथ उसमें जीर्णता आने लगती है। इसी तरह से प्रत्येक विचारधारा में समय के प्रवाह में विकृति आती है। उत्थान और पतन इस सृष्टि का मूल सार्वभौम नियम होता है। आज सारा संसार वैश्विक आतंकवाद से जूझ रहा है। इसका कारण क्या है? कि कुरान की आयतों का विकृत अर्थ करके जो अलग अलग मान्यताएं खड़ी की गई हैं उसमें सभी मान्यताएं आपस में टकरा रही हैं। किंतु जब ये मान्यताएं कुरान के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों की तरफ देखती हैं तो उनका आशय यही होता है कि संसार में कुरान के अतिरिक्त कोई धर्म ग्रंथ रहना ही नहीं चाहिए। यह कुरान की शिक्षा नहीं है, उनकी मानसिक विकृति है। इसलिए कुरान की वास्तविकता को ग्रहण करना सबका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यदि हम कुरान के आशय को नहीं समझेंगे तो बाह्य शब्दार्थों में तो भटकाव ही होगा। इसी प्रकरण की दूसरी चौपाई कहती है, लिखी कुरान में हकीकत होशी खोले एक दिन, जब उग्या सुर मार्फत का आवसी देख सब आगे। मार्फत का सूरज उगेगा, जब उग्या सूर मार्फत का आवसी देख सब आगे तो सबको विश्वास आ जाएगा। मार्फत का सूरज उगने का तात्पर्य क्या है? श्री प्राण के स्वरूप का उजागर होना। जब मार्फत का सूरज उगा तो सबको सत्य की पहचान हुई और इसका परिणाम क्या हुआ? दीदार हुआ हक सूरत का, श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में सबने उस प्रियतम का साक्षात्कार किया। चितुनी में यहीं बैठे बैठे परम धाम में अपनी सुरता ले जाकर युगल स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया, जो आज तक किसी के लिए भी संभव नहीं हो सका था। इस सृष्टि में जब से इस सृष्टि बनी है 1,96,83,120 वर्ष हो रहे हैं इस सृष्टि को, सबने केवल अक्षर निराकार तक ही अपनी पहुंच बनाई, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम।
केवल पंचवासनाओं ने निराकार से परे जाकर बेहद मंडल में अक्षर की कुछ सुध ली, अन्यथा संसार के सभी लोग निराकार साकार में भटकते रहे हैं। अब प्रीतम अक्षरातीत का स्वरूप प्राणराज्य के स्वरूप में भारत में प्रकट होता है और उन पर श्रद्धा रखने वालों ने उनमें प्रीतम अक्षरातीत की छवि देखी। उनके दिए हुए तारतम ज्ञान के प्रकाश में जब सब सुंदर साथ ने पद्मावतीपुरी धाम पन्नाजी में चितवनी की तो वहीं बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्षों में विचरण किया, जिसका वर्णन हिंदुओं के माहेश्वर तंत्र में वर्णित था, पुराण संहिता में था, वेदों में सांकेतिक रूप से केन सूक्त में वर्णित है। प्रभाज मानम हरिणी यशासम परिवृताम पूरम हिरणिम ब्रह्म अविवेश अपराजिता। वो अपराजिता ब्रह्मपुरी क्या है जिसको अयोध्या कहा गया है? वेद में वर्णित होते हुए भी कोई इस ब्रह्मपुरी को जान नहीं पाया था। कुरान में मोहम्मद साहब ने जिस नासूत मलकूत जबरूत को पार करके मेराज का वर्णन किया था कि मैंने अल्लाह की हसीन सूरत देखी है, उसके ऊपर भी किसी को पूरा विश्वास नहीं था। किंतु श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी के प्रकाश में जिसने अपना हृदय दे दिया चितवनी की, वो यहीं बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करने लगा और उसने नेक्स्ट सिख तक प्रीतम की छवि को देखा। दीदार हुआ हक सूरत का देख अर्श नजर पातन। प्रीतम का दीदार हुआ चितवनी के द्वारा, किससे? बातिनी नजरों से, जाहिरी नजरों से नहीं, इन आंखों से नहीं, आत्मिक दृष्टि से। इसलिए वाणी में कहा है अर्श बका पर सीधा कराओ सी इमाम। श्री प्राणनाथ जी किस पर सीधा करेंगे? अर्श बका पर, अखंड परम धाम पर। हमें ध्यान किसका करना है? परम धाम का। जब तक मूल मिलावे की शोभा को हम हृदय में नहीं बसाएंगे, नेक्स्ट से सिक्त युगल स्वरूप की शोभा को नहीं बसाएंगे, तब तक हमारी आंतरिक नजर कैसे खुलेगी? और आत्म जागृति के लिए अनिवार्य है। इसलिए मेहदी हत्या कर दी, घर इमाम बताई रहा, पहुंचे अर्श में राज में हंस मिलिया रूहे खुदा। पहुंचे अर्श में राज में, अर्श का मेराज हुआ, परम धाम का दर्शन हुआ। परम धाम का दर्शन और हंस मिलिया रूहे खुदा है, हंसते हुए आत्माएं अपने प्रीतम से मिले। कब होगा? जब हम परम धाम का ध्यान करेंगे, चितवनी करेंगे और परिणाम क्या हुआ? न्यामत अर्शों की सभी, तीन अर्श है, मलकुत बैकुंठ भी अर्श है, अक्षरधाम भी है, जबरूत और परम धाम भी है। ये तारतम ज्ञान के प्रकाश के बिना कुछ नहीं मालूम हो सकता था। न्यामत अर्शों की सभी लई अर्श दिल मोमिन, परम धाम की परमात्माओं ने लई अर्श दिल मोमिन, परम धाम की परमात्माओं ने जिनका दिल धनी का अर्श हो चुका है, ऊपर तले अर्श न कहा, अर्श कहा मोमिन का लोग। ब्रह्मात्मा का हृदय ही प्रीतम का धाम होता है, जहां ब्रह्म सृष्टि है, जिसके हृदय में तारतम वाणी के प्रकाश से अटूट विश्वास, अटूट समर्पण, अटूट श्रद्धा का उद्भव हो चुका है, निश्चय ही है कि उसका हृदय धनी का धाम हो चुका है। और जिन्होंने तारतम वाणी का प्रकाश ग्रहण किया चितवनी की, उनकी अंतर्दृष्टि खुली, उन्होंने परम धाम देखा और दीदार हुआ हक सूरत का। उन्होंने नक से सिख तक प्रीतम की शोभा को देखा। हक की सूरत क्या है? ऐसा न समझिए कि किसी मनुष्य की सूरत का वर्णन किया जा रहा है। जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का, ये सबसे न्यारा सुभा जो अर्श अजीम में बका। एक नख के अंदर अनंत सूर्यों का प्रकाश है। उस परब्रह्म के स्वरूप को किसी मानवीय स्वरूप से हम तुलना में नहीं कर सकते। संसार ने या तो परमात्मा को साकार माना,
पौराणिक परंपरा में नारायण सदाशिव या ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना की और कुरान की परंपरा में उसको निराकार कह दिया। कुछ ने साकार भी माना, कुछ ने निराकार माना। साकार और निराकार में सारा संसार उलझा रहा, किंतु तारतम्य वाणी का प्रकाश यह दर्शाता है कि परमात्मा का स्वरूप साकार और निराकार दोनों से परे है, त्रिगुणातीत है, शब्दातीत है, और उसका साक्षात्कार होगा दीदार हुआ हक सूरत का। देखी देख अर्श नजर बातन, तारतम्य वाणी के प्रकाश में ही अंतर्दृष्टि खुली। यदि तारतम्य वाणी का प्रकाश नहीं होता, चाहे कोई वेद पढ़े, कुरान पढ़े, तौरात इंजील पढ़ ले, किंतु यह नहीं बता सकता है कि छह अक्षर से परे अक्षर अतीत कहाँ है। आप देखेंगे मस्जिदों में लाखों लोग नमाज पढ़ने वाले, तीर्थ स्थानों में, नदियों में डुबकी लगाने वाले लाखों संख्या है। वो सोचते हैं कि हम केवल स्नान मात्र कर लेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, किंतु जल के स्नान से तो थोड़ी सात्विकता आ सकती है, अखंड मुक्ति कहाँ से मिल सकती है। नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल, प्रीतम के सौंदर्य में नहाना, उनकी शोभा रूपी ध्यान उनके ध्यान में स्नान करना ताकि उनका सौंदर्य देख सके जो अखंड है। जब तक उस सौंदर्य की राशि को अपने हृदय में आत्मसात नहीं करेंगे तब तक पवित्रता कहां से आ सकती है। पाक न इन पाइए चाहिए अर्श का जल, परम धाम के प्रेम रूपी जल में आप स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए, जिससे आप अपने प्राणेश्वर की नख से सिख तक की शोभा को बसा सकें, तब तो निर्मलता आएगी। सात बार स्नान भी कर लें, सात बार स्नान करो, लकड़ी जलाओ धोए दल। वैष्णव लोग क्या करते हैं, कई कई बार स्नान करेंगे, भोजन बनाने के लिए लकड़ी होती है उसको भी पहले पानी से धोएंगे, फिर सुखाएंगे और तब चूल्हे में लगाएंगे। इन कर्मकांडों को करते करते उनकी आयु समाप्त हो जाती है, किंतु बेचारों को यह पता नहीं चल पाता परमात्मा कौन है। वो सालिग्राम भगवान को ही सब कुछ मानते हैं जो नदी में बता हुआ पत्थर का एक टुकड़ा होता है। जिस परमात्मा की सत्ता से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं पल भर में, उसकी एक पृथ्वी लोक के अंदर न जाने कितने पर्वत हैं, और उस पर्वत के बहते हुए टुकड़े नदी में घिस घिस कर एक सुंदर आकृति ले लेते हैं, तो लोग यही मान लेते हैं कि यही सृष्टि को चलाने वाले परमात्मा है, और उसी पत्थर की बटिया को भोग लगाते हैं। सामने कोई व्यक्ति आ जाता है, भिक्षा मांगता है, कहते हैं कि नहीं अभी ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। उससे उसकी जाति पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है। साक्षात नारायण आया है किसी मानव तन में, तो उसको धुतकार कर भगा देते हैं, और पत्थर के नारायण को जो नदी के जल ने घिस घिस करके बना दिया है उसके सामने सीस झुकाते हैं। कैसा अंधविश्वास, एक ऐसा अंधविश्वास हिंदू समाज ने पाल लिया जिसका वर्णन वेद में न उपनिषद में न दर्शन में न गीता में, किंतु ये परंपरा चल पड़ी है। तारतम्य वाणी का प्रकाश सारी भ्रांतियों से संसार को हटाता है और एक परब्रह्म के चरणों में सबको ले जाता है। जब उस परब्रह्म के प्रति अटूट आस्था विश्वास का पुष्प खिलता है, तो परिणाम यह होता है दीदार हुआ हक सूरत का, प्रीतम की मोहिनी छवि हमारे हृदय मंदिर में अखंड हो जाती है। यह है हकीकी झंडा। तारतम्य वाणी का यह प्रकाश जिसने भारतवर्ष में दीन का हकीकी झंडा यथार्थ सत्य का प्रकाश किया है। मैंने पहले कहा कि चार तरह के झंडे होते हैं, एक झंडा पर सरियत झंडा नासूत में पहुंचा न लगम कोत पकड़े पुलस रात ने छोड़ न सके नासूत। अरब में सरियत का झंडा मोहम्मद साहब ने स्थापित किया, केवल अली को हजरत अली को उन्होंने तरीकत की बात बताई और उनको कहा कि कोई पात्र हो तो उसको बता देना,
आज देखिए सारे संसार में केवल शरीयत का झंडा चल रहा है। शरीयत के मानने वाले ये सोचते हैं कि रोजा रख लिए, नमाज पढ़ ली 5 बार, हज कर लिए, जकात दे दिए, कलमा याद कर लिया, तो उनका जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। ये तो प्राथमिक कक्षा है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात होती है कि नमाज पढ़ने के नाम पर कितने दंगे भड़क जाते हैं। जबरन किसी की जमीन पर कब्जा करके वहां नमाज पढ़ने लगते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। ये जो फर्ज बंदगी जाहिरी बीच नासूत लिखी हक से दूर, ये जाहिरी बंदगी है। संसार को दिखाया जाता है कि हम खुदा के बंदे हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं। जो तरीकत की बंदगी होती है वो दिखा करके नहीं होती है, रात्रि के अंधेरे में होती है। जो सच्चा सूफी फकीर होगा कभी नमाज नहीं पढ़ता है, वो तो कहेगा न रख रोजा न मर भूखा न सीधा कर तू मस्जिद में। वो रोजा करने का दिखावा नहीं करेगा, मस्जिद में बार बार सीधा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अपने हृदय में अपने अल्लाह ताला अपनी मासूक को बसाने का प्रयास करता है। वो रात के अंधेरे में रात्रि के 9 बजे से 3 बजे तक 6 घंटे अपने मासूक की इबादत में लगाता है। वो दंड बैठक नहीं करना पसंद करता। दंड बैठक तो 15-20 मिनट में नमाज पूरी हो जाती है, लेकिन इसके नाम पर कितने संसार में झगड़े होते हैं। शरीयत के मानने वाले सोचते हैं कि नमाज से आगे कुछ है ही नहीं। तरियत की बंदगी केवल हजरत अली को सिखाई थी, उसकी राह पर तो कोई सूफी फकीर ही चलता है। आगे का मार्ग हकीकत और मारिफत का है, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। इसलिए जो शरीयत का मार्ग लेता है वो नासूत को नहीं छोड़ पाता, न मलकूत पर जा पाता है, और जो तरीकत का मार्ग लेता है वो केवल मलकूत में जा पाता है। किंतु जो मारिफत का झगड़ा, मारिफत का झंडा है, देखो सिपारी तीसरी, होवे हकीकत सो एक दिन, सो आन मिलाए सब हुक्मे, आए तले मारिफत झंडे आके। मारिफत का झंडा क्या है? अटूट विश्वास के साथ जो प्रीतम के प्रेम में समर्पित हो जाता है, उसको हकीकत का ध्वज प्राप्त हो जाता है। और जब प्रीतम के प्रेम में डूबते डूबते ऐसी अवस्था आ जाती है जो स्वयं का अस्तित्व भुला दिया जाता है, तो उसके पास मार्फत का इश्क प्राप्त होता है, मार्फत का इल्म होता है, और स्वयं को भुलाकर वो राज्य के हृदय में अपना अस्तित्व खो देता है। इस अवस्था में वो कहता है कि मैंने मार्फत की अवस्था प्राप्त कर लिया है। मार्फत का ध्वज अर्थात उस अखंड ज्ञान को देने वाले परम धाम के मार्ग का अनुसरण करना। यदि हम तारतम ज्ञान के प्रकाश में परम धाम के ज्ञान का अनुसरण करते हैं, एक सच्चिदानंद परब्रह्म से प्रेम करते हैं, परम धाम की चितवनी करते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होती है? हम इस निराकार से परे, बेहद से परे, अक्षर से परे, उस सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। प्रीतम के आदेश से शरीयत के ध्वज को जिसने छोड़ दिया, तरीकत को छोड़ दिया, तारतम वाणी के प्रकाश में हकीकत और मार्फत के ध्वज को प्राप्त करता है। झंडा हकीकी दीन का यही है। जो तारतम वाणी में निहित है, यदि हम तारतम वाणी का अनुशीलन करते हैं, एक सच्चिदानंद परब्रह्म पर अटूट आस्था रखते हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हैं, साकार निराकार से परे होकर परब्रह्म के प्रेम में स्वयं को डुबो देते हैं, तो हम हकीकत के झंडे के अनुयायी बन जाते हैं। और जब हमारा प्रेम इतना गहरा हो जाए कि हम स्वयं के अस्तित्व को भुला दें, तो हमारा मार्ग मारिफत के झंडे का होता है। यह हकीकत मारिफत का झंडा तारतम वाणी की ज्ञान का प्रकाश है,
जहाँ तारतम वाणी रहेगी। तारतम वाणी का प्रकाश फैलेगा, वहाँ सबके हृदय में एक पर ब्रह्म के प्रति अटूट निष्ठा रहेगी, अटूट समर्पण रहेगा, अटूट प्रेम रहेगा, और यही कहलाएगा कि मारिफत का झंडा, हकीकत का झंडा इस समय संसार में केवल भारतवर्ष में ही है। आप कहीं भी चले जाइए, मक्का मदीना ही क्यों ना हो, वहाँ भी शरीयत है, वहाँ भी पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही है अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। ये तो अंधविश्वास है, अंधकार है। क्या अल्लाह ताला को पशुओं का मांस चाहिए? न जाने कितने लाखों पशुओं को बकरीद के दिन काट दिया जाता है, ये धर्म नहीं है। आप हिंदुओं के देवी देवताओं के पास देखिए, चाहे भैरव की मूर्ति हो या काली की मूर्ति हो, वहां भी पशुओं को बेरहमी से काटा जाता है। क्रिश्चियन भी भटकाव में है, यहूदी भी भटकाव में है, सभी अपने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते हैं। उनको पता ही नहीं कि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा क्या है। शब्दों को तो अवश्य जानते हैं, रट्टा लगाए होते हैं, किंतु शब्दों में निहित गुह आशय को नहीं जानते। और तारतम वाणी का प्रकाश सारी मानव जाति को धर्म ग्रंथों के वास्तविक आशय को बताकर एक सच्चिदानंद परब्रह्म की तरफ ले जाती है और दर्शाती है कि कर्मकांडों को छोड़कर, जब तप पूजा पाठ को छोड़कर, नमाज को छोड़कर, या खड़े होकर प्रार्थना करने की प्रकृति को छोड़कर अपने तन मन को एकाग्र करो, अपनी सुरता को निराकार बेहद से परे परम धाम में ले चलो और साक्षात परम धाम को देखो। ये अलौकिक ज्ञान तारतम वाणी में नहीं थे, और जो इस ज्ञान का अनुशीलन कर लेता है निश्चित है कि वह हकीकत और मार्फत के ध्वज की छत्र छाया में आ जाता है। हकीकत और मार्फत का ध्वज ज्ञान का ध्वज है, अटूट विश्वास प्रेम का ध्वज है। ये कोई जारी झंडा नहीं है जिसको कहीं से खरीद करके लगा दिया जाए। हमारा हृदय भी कहीं ना कहीं एक बातूनी झंडे को लेकर चलता है। यदि हमारे हृदय में सच्चा ज्ञान है, सच्चा प्रेम है, समर्पण है, श्रद्धा है, तो निश्चित है कि हमारे हृदय मंदिर के ऊपर ये हकीकत और मार्फत का ध्वज लहराता रहेगा। प्राय मंदिरों के ऊपर तो ध्वज लहराया ही जाता है, धार्मिक संस्थाएं अपने अपने ध्वज लहराती हैं, किंतु हमारा हृदय भी तो प्रीतम का मंदिर होता है। हमारा हृदय ही तो वह धाम होता है जिसमें प्रीतम विराजमान होते हैं। तो याद रखिए, यदि आपके हृदय में तारतम वाणी का प्रकाश है, प्रीतम के प्रति अटूट समर्पण है, श्रद्धा है, आप प्रतिदिन अपने हृदय मंदिर में चितवनी करके अपने प्राणेश्वर को देखते हैं, तो विश्वास कीजिए आपके हृदय मंदिर के शिखर पर हकीकत और मार्फत का ध्वज लहरा रहा है। यदि आपने तारतम वाणी से स्वयं को अलग कर लिया, चितवनी से अलग कर लिया, तो संसार वालों की तरह आप भी अंधेरे में भटक सकते हैं, और इसी का परिणाम देखने में आ रहा है। तारतम वाणी का प्रकाश जहां पर नहीं है वहां सुंदर साथ भटका हुआ है, वो वृक्षों की पूजा कर रहा है, खड़ाओं की पूजा कर रहा है, चित्रों की पूजा कर रहा है, समाधियों की पूजा कर रहा है। परमहंसों के समाधि पर आप श्रद्धा रखिए, परमहंसों के गुणों पर श्रद्धा रखिए, वो बात ठीक है, किंतु मूल स्वरूप की चितवनी छोड़कर केवल समाधि पूजा, केवल वृक्ष पूजा, खड़ाओं पूजा, चित्र पूजा या रुई की गादी की पूजा करना वाणी में के अनुसार उचित नहीं है। आवश्यकता यह है कि सुंदर साथ प्रीतम के प्रेम को समझे, उनके दिए हुए तारतम ज्ञान की महिमा को समझे, महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत ने परम धाम की यह ब्रह्मवाणी कही है, और यह ब्रह्मवाणी सबके हृदय में ज्ञान का अखंड प्रकाश कर रही है और दर्शा रही है कि रे आत्मा, तुम्हारे हृदय मंदिर में जो शिखर है उस पर हकीकत और मार्फत का ध्वज लहराना चाहिए। तो शरीयत और तरीकत के ध्वज को छोड़, क्योंकि शरीयत की राह पर तो सारा संसार चल ही रहा है, तरीकत पर कोई कोई चलता है, लेकिन तुम्हारी राह तो तरीकत से परे की है, हकीकत और मार्फत की है, और परमधाम की आत्माओं के लिए
हकीकत मार्फत का ध्वज लेकर स्वयं अक्षरातीत आए श्यामा जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उन्होंने तारतम ज्ञान का प्रकाश किया। तारतम का तारतम उस दूसरे तन में मिहराज के तन में विराजमान होकर किया और इसका परिणाम परम धाम की ब्रह्मवाणी ने सारे संसार के लिए अखंड का रास्ता खोल दिया है। आवश्यकता यह है कि हम ब्रह्मवाणी की गरिमा को पहचाने। यदि हमारे हृदय में ब्रह्मवाणी का प्रकाश नहीं है तो केवल लोहे के ध्वज में कपड़े का ध्वज लगा देने से ऐसा नहीं होगा कि ध्वज फहराता रहे। हर हृदय को मंदिर बनाना होगा, हर हृदय मंदिर के कलश पर अखंड परम धाम की हकीकत और मार्फत का ध्वज लहराना होगा, तभी हमारे आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला स्वच्छ कही जाएगी। वर्तमान में तो यह देखने को आ रहा है कि धार्मिक कार्यक्रमों में चर्चा वाणी की चर्चा नाम मात्र को होती है या होती ही नहीं, केवल नाच तमाशे उछलना कूदना राज की रामतों के नाम पर। हम कुछ कर्मकांड करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं किंतु आखिर यह कब तक चलता रहेगा? ये पानी गर्जित माज संसार खोजी खोज मिटावे अंधार मूढ़ मतीना जाने विचार श्री महामत कहे पुकार पुकार। परम धाम की ब्रह्मवाणी जिसको कहते हैं नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों कर सी रोशन। तारतम वाणी मार्फत के ज्ञान का सूरज है और इस वाणी में ही मार्फत का ध्वज निहित है। हकीकत मार्फत का ध्वज दर्शाने वाली ये तारतम वाणी है जो अक्षरातीत के हृदय से प्रवाहित हुई है, श्यामा जी की रचना है और महामती जी के धाम हृदय से सारे संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुई है। हम प्राणा जी के स्वरूप को पहचाने, उनके अंदर अक्षरातीत की छवि को देखें जिन्होंने इस मार्फत सागर को अंगीकार कर लिया, वो समझ जाएंगे कि सारी सृष्टि में इस समय यदि कोई स्वरूप है तो वो श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप है जो परम धाम की ब्रह्मवाणी लेकर आया है और संसार के सभी मत पंथों के अनुयायियों को चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो यहूदी हो पारसी हो सबको इस सत्य का बोध करा रहा है कि संसार के लोगों अपने कर्मकांडों की बेड़ियों को तोड़ डालो और तारतम वाणी की शरण में आकर इसको अंगीकार करो। अपने हृदय में परम धाम के ज्ञान का दीपक यदि तुम जला लोगे तो निश्चित है तुम्हें हकीकत मार्फत का मार्ग प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारे हृदय मंदिर के शिखर पर मार्फत का ध्वज लहराने लगेगा, हकीकत का ध्वज लहराने लगेगा जिस की निर्मल आभा में तुम अपने प्राणेश्वर का दर्शन करोगे, उनके धाम हृदय में उनके हृदय में डूबकर अनंत रस सागर में क्रीड़ा करोगे, तभी तुम अरस परस हो पाओगे। यही आध्यात्मिक जीवन का चरम लक्ष्य है और परम धाम से आने का दावा करने वाले उन सुंदर साध के लिए भी सिखापन है कि हकीकत और मार्फत का ध्वज प्राणनाथ जी ने लगा दिया है। सबसे पहले ये ध्वज पद्मावतीपुरी धाम में लगा जाहिरी रूप से, बातिनी रूप से अब हर सुंदर साध को अपना हृदय मंदिर बनाना है। हर ब्रह्मात्मा के हृदय मंदिर में प्रीतम की छवि बसनी चाहिए, उस हृदय मंदिर के शिखर पर हकीकत और मार्फत का ध्वज लहराना चाहिए। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता छिपी है। यदि हम इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं भटकाव के हम शिकार कहे जाएंगे।